हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। और मेरे लिए क्या है, बिल्कुल सिंपल सा खीर रेसिपी, बिल्कुल दूध, चीनी और चावल के साथ में, और थोड़ी सी इलायची और तेज़पत्ते के साथ में, हल्की सी एक चुटकी नमक के साथ में। तो आप सब प्लीज़ देखिए। तो यहाँ पे चाहिए हमें तो दूध चाहिए। सबसे पहले दूध हमने लिया है, यहाँ पे 3 लीटर दूध है और बिल्कुल अच्छी और प्योर दूध है। इसमें टोन वाला मिल्क नहीं है, प्योर जो गाय का दूध है वही मैंने लिया है। अब इसमें मैंने जो चावल होते हैं, भोग चावल बोलते हैं जिसको, खीर बनाने वाली राइस, उसको मैंने धो के रखा है। तो उसको अभी हम थोड़ा सा घी मिला के हमने रख दिया है, तो अभी हम उसमें डाल रहे हैं। दूध हमारी उबल चुकी है, मैंने थोड़ा सा कम आँच पर रखी हुई है। और जैसे थोड़ा बुज़ुर्ग होते हैं, उन लोग थोड़ा सा दांत के प्रॉब्लम का वजह से उन लोग ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और किसी किसी को थोड़ी बहुत एसिडिटी हो जाती है किशमिश वगैरह डालने के लिए, तो मैं वो नहीं डाल रही हूँ। और ये शिवरात्रि पूजा में मैं बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल सा और बहुत ही यम्मी खीर होती है। आपकी जितनी अच्छी दूध होगी उतनी अच्छी आपकी खीर बनेगी, तो वही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर दूध हमारा तो उबल चुके ही थे, चावल भी हमने डाल दिया है, तो चावल को अच्छे से हमने पका लिया है। और जब हमारे चावल जब आधा से ज़्यादा 75% पक चुके हैं, तब हमने इसमें डाल दिया है चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के मुताबिक आप डाल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे दूध गाढ़ा हो चुके हैं, तो हमें और थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है। हमने अभी चीनी डाला है, तो चीनी डालने से थोड़ी बहुत फिर से लिक्विड बन जाती है, फिर थोड़ी देर हम लोग और पकाएंगे 5 से 10 मिनट। तो यहाँ पे एक चुटकी हमने नमक लिया है सिर्फ स्वाद के अनुसार, तो वही मैं डाल रही हूँ अभी। आप जब दूध उबाले तभी आप तेज़पत्ता और जो इलायची वगैरह डाल दें, तो आपको आराम से पका सकते हैं और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो हमारी खीर है तैयार। कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर। तो आज के लिए बाय बाय, सी यू।